अपना चैप्टर चल रहा था सेवन चैप्टर फ्रैक्शन, उसमें अब आ रहे हैं एक्सरसाइज 7.4। तो 7.4 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपन पढ़ते हैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं अपने लाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं विद फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, जिनके भिन्न ऐसी भिन्न संख्याएं जिनके नीचे वाले नंबर सेम होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, उनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 1/3, 3/3, 7/3, 8/3, 5/3, इन सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये सारे के सारे कौन से फ्रैक्शन कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। इसी तरीके से दूसरा हो गया अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक का मतलब सेम और अनलाइक का मतलब डिफरेंट या अलग अलग। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, जैसे 1/2, 3/4, 1/5, 7/6, 8/9, सबके डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम हो उनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उनको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में अपने को डिफरेंस समझ में आ गया, पहचान समझ में आ गई। अब अपन पहचान सकते हैं कि कौन से फ्रैक्शन लाइक है और कौन से फ्रैक्शन अनलाइक है। अब प्रश्न क्या आता है, प्रश्न ये आता है कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को अपन कंपेयर करते हैं आपस में। तो कंपेयर करने के लिए अपन लाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे और अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे। तो दो फ्रैक्शन दे रखे हैं, उसमें बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो सबसे पहले मान लो अपने को दो फ्रैक्शन दे रखे हैं 1/3, 4/3। अब ये दो फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले तो अपन चेक करें कि ये फ्रैक्शन है कौन सा, लाइक है या अनलाइक। तो लाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब ये हो गया ये लाइक फ्रैक्शन है। अब लाइक फ्रैक्शन में कंपैरिजन करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, विच इज स्मॉलर विच इज ग्रेटर। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अब आप न्यूमरेटर पर आ जाओ, ऊपर वाले नंबर यानी अंश पे आ जाते हैं। तो जिस नंबर का अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पर 1/3 और 4/3, इस न्यूमरेटर किसका बड़ा है, सेकंड वाले का 4/3, तो ये संख्या बड़ी होगी और ये संख्या छोटी होगी। तो इसका निशान क्या होता है, हमारे पास में एक निशान ये होता है, एक्चुअल में ये निशान है एक ही, ये अपना मुंह चेंज करता रहता है, एक तरफ एरो बंद होता है, तीर का निशान बंद होता है, एक तरफ तीर जो होता है वो खुला रहता है, खुले मुंह का होता है, तो ये घूमता रहता है, मूवेबल होता है। तो ये खुले वाला हिस्सा हमेशा बड़ी संख्या की तरफ रहता है और बंद वाला हिस्सा हमेशा छोटी संख्या की तरफ रहता है। तो अपने पास में 1/3 था, 4/3 था, विच इज ग्रेटर पूछा इसने, बड़ा कौन सा है, तो बड़ा कौन सा हो गया, दोनों सिमिलर है, तो ऊपर वाले नंबर से चेक करो, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है, तो ये बड़ा है, इसका मतलब ये निशान यहाँ पे चला गया है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और अपन देखते हैं, 5/7, 4/7,
तो ये भी क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब ये हो गया, ये भी क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो लाइक फ्रैक्शन है तो अपन ऊपर वाले नंबर से चेक कर लेंगे, जो बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो गया, जिसका नंबर छोटा है ऊपर वाला वो फ्रैक्शन छोटा हो गया। तो इन दोनों के अंदर 5 और 4 में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है। तो हमारा इस वक्त साइन क्या हो जाएगा, ये वाला लग जाएगा। तो 5/7 इज बिगर देन ग्रेटर देन 4/7, और यहाँ पर था 1/3 स्मॉलर देन 4/3, या पीछे से अगर पढ़ेंगे तो 4/3 ग्रेटर देन 1/3, आगे से पढ़ेंगे तो 1/3 स्मॉलर देन 4/3। ये सेकंड क्वेश्चन था इसका। 5/7 तीर का निशान खुला है, इसका मतलब 5/7 आगे से पढ़ेंगे तो ये बड़ा हो गया, ग्रेटर देन 4/7, और अगर पीछे से पढ़ के अपन शुरू करते हैं तो पीछे वाला क्या आ जाएगा, छोटा है तो 4/7 स्मॉलर देन 5/7। तो जब अपने पास में लाइक फ्रैक्शन हो और उसका बताना है कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, तो अपन ऊपर वाले न्यूमरेटर नंबर से चेक करके बता सकते हैं। जो नंबर बड़ा है वो ग्रेटर हो गया, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो स्मॉलर हो गया। अब अनलाइक फ्रैक्शन का देखते हैं, ये तो हो गया लाइक फ्रैक्शन से चेक करना। अब आता है अनलाइक फ्रैक्शन, तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उनको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन का अपन कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन करने के लिए अपने एक मान लो जैसे नंबर निकले थे अनलाइक फ्रैक्शन के, यहाँ पे कोई भी कंपेयर फोर अपॉन फाइव एंड 5/6 कंपेयर करने के लिए सबसे पहले तो फ्रैक्शन कौन सा है ये चेक करो, ये फ्रैक्शन कौन से है, अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि दोनों के क्या है डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अलग अलग है। तो अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए इन फ्रैक्शन को क्या करेंगे अपन, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए बाद वाले को पहले वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो, पहले वाले डिनोमिनेटर को बाद वाले से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे यहाँ पे 5 है, इसको क्या करेंगे, दूसरे वाला डिनोमिनेटर है इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई हमेशा दोनों नंबर्स होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। तो उसको मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, 4 6 24 5 6 30। अब यहाँ पर 5 और 6 है, इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाला जो डिनोमिनेटर था, तो पहले वाले नंबर का डिनोमिनेटर क्या है 5, इसको 5 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को ऊपर और नीचे वाले नंबर से। तो इसको 5 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स को, तो ये हो गया 5 5 25 और 5 6 30। तो दोनों के हमने डिनोमिनेटर क्या कर दिए, सेम कर दिए। तो ये पहले क्या था, ये अनलाइक फ्रैक्शन था, अब कौन सा हो गया, ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो लाइक फ्रैक्शन होने के बाद में इनको कंपेयर करना है, ये बताना है कि भाई कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा। तो पहले ही बता चुका हूँ लाइक फ्रैक्शन करने के बाद में जो नंबर छोटा हो वो छोटा होता है, जो नंबर बड़ा हो और जिसका न्यूमरेटर छोटा है वह संख्या स्मॉलर होती है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो संख्या
ग्रेटर या बिगर होती है, बड़ी होती है। तो इसमें कंपेयर करना था, तो इसमें कंपेयर करने के लिए हमारे पास में दो साइन होते हैं, एक ये और एक ये। एक्चुअल में ये साइन तो है एक ही, ये घूमता रहता है। तो जिस तरफ तीर का निशान बंद होता है वो संख्या छोटी हो जाती है, और जिस तरफ तीर का निशान ये हो गया स्मॉलर, ये हो गया ग्रेटर। अब इन दोनों नंबर को अपन चेक कर लो, ग्रेटर कौन सा है, 25 बड़ा है, 24 छोटा है। तो इसमें इन दोनों में से तीर का निशान कौन सा आ गया, ये आ गया। तो ये कंपेयर हो गया हमारा, 24/30 इज स्मॉलर देन 25/30। एक्चुअल में मेन ये तो अपन ने इसको सिमिलर किया था तब ये नंबर आया था, लेकिन मेन अपना नंबर क्या था, आंसर हमारा ये आएगा यहाँ पे, इस नंबर को नहीं लिखेंगे, आंसर मेन क्वेश्चन को लिखेंगे, 4/5 और 5/6। तो ये 24/30 किसका आया था, 4/5 का। तो ये 4/5 इज स्मॉलर देन 5/6, ये आंसर आएगा। इन दोनों का कंपेरिजन ये होगा, 4/5 छोटा है 5/6 से। तो ये तो हमने पढ़ा लाइक करेक्शन और अनलाइक करेक्शन का कंपेरिजन करना। अब लाइक करेक्शन का तो अपन ने कंपेरिजन कर लिया कि ऊपर वाले अपन न्यूमरेटर जो होते हैं उनसे चेक कर लेते हैं कि न्यूमरेटर जो छोटा है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उस वो नंबर बड़ा होगा। अब अनलाइक फ्रैक्शन, जैसे अनलाइक फ्रैक्शन अपने को दे दिया 3/2, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, ये हमने को नंबर दे रहे हैं। ये सारे के सारे कौन से नंबर है, अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर क्या है, अलग है, लेकिन न्यूमरेटर सबके सेम है। तो न्यूमरेटर सेम हो इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। अपने को लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का कंपेयर करने के लिए, चेक करने के लिए, पता लगाने के लिए अपन डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, डिनोमिनेटर का देखते हैं। डिनोमिनेटर अगर अलग अलग है इसका मतलब ये हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। अब इनका कंपेरिजन करना है कि इनमें बड़ा कौन है कौन छोटा है, इन दो का अपन कंपेरिजन करते हैं, इन दोनों में बड़ा कौन सा हो छोटा कौन सा हुआ। तो जब न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो अपन क्या करेंगे, जो इसका रिवर्स हो जाता है, लाइक वाले से उल्टा हो जाएगा। लाइक वाले में क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो संख्या छोटी होती है। और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर, अब जब न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर अलग अलग हो, ये हो गए अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो संख्या उतनी ही छोटी होती है। जैसे इन दोनों के अंदर न्यूमरेटर 4 और सॉरी एक का डिनोमिनेटर 4 है, एक का डिनोमिनेटर 2 है, यानी एक का हर 4 है, एक का हर 2 है। तो दोनों में कौन सी संख्या छोटी हुई, जिसको ज्यादा डिवाइड करेंगे, इसके 3/2 यानी इसके हमने दो हिस्से किए हैं, 3 के दो हिस्से किए हैं, 3/4 यानी इसमें 3 के अपन ने 4 हिस्से किए हैं। तो जितने ज्यादा हिस्से करेंगे वो संख्या उतनी ही छोटी होती जाएगी। तो न्यूमरेटर जितना, जब न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। इन दोनों को कंपेरिजन कर रहे हैं तो 3/2 ये बड़ा है, इससे 3/4 से। इसी तरीके से 3/5 इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और बड़ा हो गया तो ये संख्या और छोटी होगी, तो ये इससे छोटा होगा। 3/6 इस बार अपन 3 के क्या कर दिए, 6 पार्ट कर दिए, तो और टुकड़ा छोटा हो गया, तो ये इससे छोटा हो गया। तो बड़े की तरफ क्या हो गया, खुला, छोटे की तरफ
बंद। फिर इसी तरह 3/7, तो इसके तीन के हमने और 7 पार्ट कर दिए, पहले 2 पार्ट किए, फिर 4 पार्ट किए, फिर 5 पार्ट किए, फिर 6 पार्ट किए, फिर 7 पार्ट किए। तो जितने ज़्यादा पार्ट करते जाएंगे, जितने ज़्यादा हिस्से करते जाएंगे, जितने ज़्यादा टुकड़े करते जाएंगे, वो हिस्सा उतना ही ज़्यादा छोटा होता जाता है। तो ये कंपेरिजन हो गया अपना, जब न्यूमरेटर सेम हो, डिनोमिनेटर अलग अलग हो। जब अंश समान हो और हर अलग अलग हो तो उसका कंपेरिजन कैसे करते हैं? तो उसका कंपेरिजन का तरीका सेम होता है कि नीचे वाले नंबर जितने बड़े होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, संख्या उतनी ही छोटी होती जाती है। उससे पहले अपन ने पढ़ा था लाइक करेक्शन का, जिसमें क्या था, डिनोमिनेटर सबका सेम था और न्यूमरेटर अलग अलग था। तो न्यूमरेटर जब अलग अलग होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर को चेक कर लेते हैं। न्यूमरेटर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, संख्या बढ़ती जाती है, बड़ी होती जाती है, ग्रेटर होती जाती है, और न्यूमरेटर छोटा होता जाता है, संख्या छोटी होती जाती है। तो ये अपन ने कंपेरिजन कर लिया था। अब अपन एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में अपने को क्या कर रखे है, पिक्चर ड्रॉ करके दे रखी है। सबसे पहले तो जो पिक्चर दे रखी है उससे अपने को क्या करना है, न्यूमेरिकल फ्रैक्शन फाइंड करना है। फिर उसका आगे अपने को बताना है कि वो बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। सेवन पॉइंट फोर एक्सरसाइज अपन शुरू कर रहे हैं। पिक्चर ड्रॉ कर रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें अपने को एक सर्कल